ऐसे ही होता, भारत देश हमारा ऐसा ही निराला है, है? जी गुरु जी। कि सब जगह की पहचान है, दुनिया में पहचान है जी गुरु जी। आपको बगैर दो आदमी खड़ा किए उठती नहीं आप, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो रहा था आपको। लेकिन आप एक माध्यम तो गुरु तो चाहिए ही। हाँ नहीं चाहिए तो बाबा गुरु है, हमेशा पूर्ण गुरु की उपासना आराधना करनी चाहिए। शिव की एक मुद्रा का नाम है शांभवी है। हाँ बताइए। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बिहार के भागलपुर जिले से आई हूँ बाबा। बहुत सुंदर, खुश रहिए। वहाँ से मैं, वहाँ सिल्क की चादरें बनती है बाबा, तो ये हाँ, भागलपुर की चादरें बहुत मशहूर है। और माता की चुंदरी है बाबा, ये उपहार स्वीकार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत थैंक यू। भागलपुर की चादरें बहुत मशहूर थी एक टाइम में, कहा कि चादर है भागलपुर की। जैसे कानपुर में लाल इमली का हमारे कंबल बड़ा मशहूर जी जी। हम जब पहले भारत सरकार के एक मंत्रालय में थे हम, तो बाहर जाना हुआ विदेश, एम्बेसी के तमाम लोग थे वहाँ के, इटली गए, इटली मिलान एक जगह है, फैशन का गढ़ है कपड़ों का, तो हमारे साथ तमाम ऑफिसर्स भी थे, तो मैं, हमारे मंत्रालय के और तमाम लोग थे साथ में, तो उससे हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ, हमने कहा चलो आज मार्केट चलते हैं, देखते कपड़े का क्या मामला है, क्योंकि मैं कपड़ा मंत्रालय में ही था, तो चलो देखते हैं। तो वहाँ ये कपड़ा दिखाओ वो दिखाओ सारे, उससे कहा गया कि ऐसी कोई लोई दिखाओ उड़ने की जो सबसे अच्छी हो। तमाम दिखाया का, सबसे अच्छी हमारे पास एक और है, दिखाओ। तो उसने दिखाया, जो दिखाया वो कानपुर बन के जाती थी वहाँ लाल इमली से। कानपुर में बनती थी चादर, वो इटली में थी, वो हमको वहाँ दिखा रहा। हमने कहा था तो हम कानपुर में ही ले लेंगे। ये तो हमारे यहाँ बनती है, हमारी मिलों में बनती हैं वो सब मिले, हम लोग अंडर में थी। तो ऐसे ही होता, भारत देश हमारा ऐसा ही निराला है, है? कि सब जगह की पहचान है, दुनिया में पहचान है जी गुरु जी। कि यहाँ का बताइए सबसे अच्छी चीज़ दिखाई उसने अपने यहाँ इटली में, तो लाल इमली कानपुर की दिखाई। तो गौरव हुआ, गर्व हुआ वहाँ पे कि यार हमारे देश में वाकई में बाहर तक है, तो बहुत अच्छा है। भागलपुर वाकई बहुत मशहूर था, पहले दंगों के लिए बदनाम था, है ना? अभी तो स्मार्ट सिटी और सिल्क, अब तो बहुत भागलपुर बदल चुका है, अभी स्मार्ट सिटी और सिल्क सिटी के नाम से फेमस। हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो गया, वो दाग जो था बदनुमा दाग दंगे का वो चला गया जी जी। खुश हो बेटा, बताओ और बताओ। गुरु जी संकल्प के दौरान तो सारे कष्ट जाते रहे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी भी पाँव का ये मतलब हम बता रहे अष्टांग दंडवत वगैरह बैठना उठना नहीं हो पा रहा। हम बता रहे आपको बेटा, एक असाध्य रोग हो रहा था जो आपका अभी ये नष्ट हुआ है, स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, है ना? जैसे बैठ करके उठने में प्रॉब्लम थी, बहुत बहुत दिक्कत। क्या था, आपकी जो मोटर नर्व थी वो डैमेज हो रही थी बुरी तरह, कुछ दिन और रहता साल दो साल, तो फिर आप बैठ के उठ नहीं सकती थी, आपको बगैर दो आदमी खड़ा किए उठती नहीं आप, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो रहा था आपको, ठीक है? डॉक्टर ने घुटना ट्रांसप्लांट के लिए बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं पहले बाबा के दरबार चलना है। कोई जरूरत नहीं घुटना ट्रांसप्लांट की पड़ेगी आपको, पहली बात ये आपको रोग कष्ट सबसे ज्यादा हो रहे थे जी जी। आंखें बंद कर देखे आप, आँख खोल लीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा था आपको, आप चीज़ों को भूलने लग गई धीरे धीरे जी जी गुरु जी। अल्जाइमर हो रहा था। दूसरा क्या था कि आपका जो ओवरी है, ओवरी में और ब्रेस्ट में पेंक्रियास में कैंसर डेवलप होने लग गया था, आपके गुदा द्वार में भी, गुदा द्वार में मांस धीरे धीरे आपके बाहर आने लग गया,
मांस धोए पकने लग गया था रेक्टम में। यही बच्चा भी यही लिख रहा है, इसने भी यही लिखा गुदा द्वार में और गुप्तांग में ये डेवलप हो रहा था कैंसर आपको। ये दरबार आप आगे हो तो इससे आप सुरक्षित हो रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। तमाम असाध्य रोग बन गए थे आपको, तो रक्त दूषित हो रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, आपके पैर के जो तलवे थे ना नीचे वो सुन्न होने लग गए थे, चलने में गद्दा जैसा मालूम होता होगा, और मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, दो रोटी भी नहीं बना पा रही थी, वही स्पाइनल के प्रॉब्लम से। यही बात है, अभी आप चलो जमीन में, अब आपको बढ़िया फीलिंग आएगी तलवे के नीचे, अब आपके पैरों में, चलिए मूवमेंट करें, आइए। अब आप फील कर पा रही तलवे? जी। तलवे फील कर पा रही हैं? जी जी जी। पहले सुन्न फंदा नीचे लगता, गद्दे में चल रही हैं, ऐसे हो गई, सुन्न हो रहे थे, ये न्यूरो की प्रॉब्लम थी यहाँ की, पैरों की नहीं थी, ठीक है जी। तो ब्रेन अभी तमाम आपका हटा है, ठीक हुआ है, गंदगी गई है, सूजन गई है, स्वेलिंग जो बची हुई लेपन जरूर करना। अच्छा जी, अच्छे गुरु जी, बस मेरे तीन ही क्वेश्चन है गुरु जी, दरबार का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। नहीं बोलिए बेटा। गुरु जी घर, जैसे मैं घर जाने के लिए सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं घर ना जाऊँ इस टाइप से। मैं सबको बताना भूल गया इस बार, आज अभी फिर से बता देता हूँ, जो लोग पहले गए वो भी ध्यान रखें। सभी के घर में गंदगी रहती है, बहुत लोग संकल्प नहीं लेते हैं, आपके चाहे एक घर हो चाहे चार हो, संपत्ति एक हो चाहे अनेक हो, दरबार से एक सिद्ध हवन लीजिएगा, अपने घर पर वो सिद्ध हवन कर दीजिएगा। करने के पहले बाबा से एक संकल्प करिएगा कि बाबा मेरी इस संपत्ति में जहाँ कर रहे हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ संपत्ति उनका नाम लेना, यहाँ आए मेरी ये संपत्ति इस मोहल्ले में इस मकान में नंबर हमारा ये जगह है, आँख बंद कर देखना, जहाँ जहाँ जो ज़मीनों में हमारी खेती हो चाहे बगैर खेती ही ज़मीन हो, ये मेरी ज़मीनें हैं, अचल संपत्ति है, जहाँ जो भी ज़मीनों में गंदगी है वो इसी हवन में नष्ट कर दिया, सब उसी में नष्ट हो जाएगी, सब चमक जाएगा तुरंत, ठीक है। अभी हम आपके घर की गंदगी हट प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर के लिए आपको कर लीजिए। अच्छा, आंखें बंद करो, ओम, घर देखिए अपना, ओम प्रहार, घर शुद्ध किया जाए, ओम घर शुद्ध किया जाए, ओम ओम शुद्धि। ये घर में रहे तो उनको अत्यंत आनंद हो। पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन की चोपना। और गुरु जी मेरे पति को अब आँख बंद अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है घर जाए हूँ। हाँ, अब पवित्र हो गया, सकारात्मक हो गया है, ठीक है, इसलिए लग रहा है कि अब घर जाएं। पहले घर जाने का मन नहीं करता। नहीं नहीं गुरुजी। तो एक हवन जरूर करना, सभी से मैं कह रहा हूँ, सब लोग जो लोग अनुष्ठान करते हैं सभी लोग करना। हवन जो करेंगे गुरुजी तो वो किसी मंत्र से करना है या कुछ नहीं, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहना है जब तक हवन चले। तो गुरु पूर्णिमा के दिन से गुरु जी तो मैं हम संकल्प घर में ही करके, आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, मैंने आपको उसी दिन से गुरु मान लिया है, और हमारे हस्बैंड तो गुरु तो बाबा ही, हम सब चीले हैं बाबा के, वो तो इष्ट देव हैं गुरु जी, लेकिन आप एक माध्यम तो गुरु तो चाहिए ही। हाँ नहीं चाहिए तो बाबा गुरु हैं, हमेशा पूर्ण गुरु की उपासना आराधना करनी चाहिए। और हमारे हस्बैंड के थ्रू ही हमारे में ये आया, वो कब 6 महीने से यूट्यूब के जरिए हमेशा देख रहे हैं गुरु जी, उनको थोड़ा प्रोस्टेट की बीमारी है, वो आए हुए हैं गुरु जी। कौन? हमारे हस्बैंड आए हुए हैं। अच्छा, उनको प्रोस्टेट की बीमारी है। ये मैंने जो बताया जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना जी प्राइवेट, ऐसे उनको प्राइवेट समस्या हो रही जी। ये बेटा स्मृति थी, स्मृति रहती है तो ये होता ही है, लेकिन अभी आप सबकी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना जी। अभी आप केवल सिर पर सिर वाला लेपन जरूर करें, एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे, नाभि पे, हाँ ऐसे करें, वो भी अच्छे आप भी अच्छे, अभी कष्ट नहीं उनके भी नहीं कोई कष्ट। गुरु जी हमारी बच्ची है वो 10th क्लास का एग्जाम देगी, उसको काफ़ी सर में दर्द रहता है, चेन्नई अब नहीं ना होगा, चश्मा भी लगा हुआ है, चेन्नई जाना पड़ता है बार बार, चश्मा उतर जाएगा अगर 6 महीने लेपन करती रहेंगी तो। गुरु जी बच्ची आइए थोड़ा आशीर्वाद दे दे, बोल तो रहे हैं आपसे, अगर चश्मा उतर जाएगा आप ही उतर जाएगा अगर आप करते रहो ठीक से। देखो
उसको क्या क्या तुम गिनाए, अब यही समय जाता है पुरानी बातें करने में। उसको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, पूछो थी कि नहीं। जल्दी उठो उठो उठो, हाँ या ना बुलाई बता देगी। अब क्या क्या बताएं सबका, इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, हाँ या ना बताएगी बच्ची, बुलाई लो तो वो बेचारी को तुमको भी संतोष हो जाएगी, संतोष नहीं होगा। क्यों बोल रहे हैं कौन? अच्छा ठीक ठीक, धन्यवाद यार, बाबा को भेंट करो, वो माँ को भेंट करो जाए। प्रणाम बाबा जी। खुश रही बेटा, क्या नाम है आपका? शांभवी। शांभवी अद्भुत, ये तो मुद्रा है, है? शिव की एक मुद्रा का नाम है शांभवी, है? तो शांभवी डिप्रेशन एंजाइटी रहती थी, था? बता दो मम्मी को। मम्मा को पता ही है। पता है, ओसीडी थी, अच्छा नहीं फील होता था, है ना, वोमिट फील होती थी, होती थी, और माइग्रेन पेन होता था। हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, सब खत्म हो गया सदा के लिए, कुछ भी नहीं बचा, जितनी भी निगेटिविटी थी सब समाप्त हो गई, लग रहा कुछ बचा? आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज था। हाँ, बहुत ज़्यादा। आज अब क्या लग रहा है? अभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हाई है, तो यही दरबार ने आपको किया, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है, आपका फोकस किया है हर चीज़ पे, एकाग्रता बढ़ाई दरबार ने आपकी, हैं, और आपको पढ़ने लिखने में रुचि पैदा की, आप खूब पढ़ेंगे, लग रहा है ऐसा? हाँ हाँ। और OCD समाप्त हो गई, जो गंदा गंदा फील होता था, चीड़ होती थी, ये होता था, वो होता था, इनऑल अब कुछ है नहीं है, खूब खुश हो, प्रसन्न। वो संकल्प लिया है उसने, स्मृति पड़ी हुई है, खुश हो बेटा।